तो हेलो गैस, तो कैसे हो आप लोग। तो हम वापस आ चुके हैं भाई GTA 5 की एक और नई वीडियो के साथ और अपनी इंडियन SUVs के साथ, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं भाई GTA 5 में रॉक वाटर टेस्ट। और यहाँ भाई हम लोग भाई अपनी छोटी गाड़ी को क्यों नहीं लेके आए भाई, वो तो आप लोग को आगे पता ही लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले भाई अपना रैंप दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई कितनी बड़ी बड़ी भाई चट्टाने हमने यहाँ पे डाल के रखी हैं भाई, देख सकते हो भाई। इसमें अपनी भाई छोटी गाड़ियाँ तो भाई बिल्कुल निकल भी नहीं पाती। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं भाई जो हमारे पास ये SUVs हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो भारी भरकर अपनी इंडियन कार्स हैं भाई, उनमें से भाई कौन सी अपनी इंडियन कार भाई इस टेस्ट को पास कर पाती है। तो भाई स्टार्ट करते हैं भाई आज की इस वीडियो को। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई अगर आपने भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई ऐसी रैंक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे जो भाई सबसे पहली गाड़ी मैं लेने वाला हूँ भाई वो है भाई अपनी XUV 700। देखते हैं भाई अपनी XUV 700 ये कर पाती कि नहीं कर पाती है। तो भाई यहाँ पे भाई माइकल भाई अपने बैठ चुके हैं भाई अपनी XUV के अंदर, और देख सकते हो भाई चट्टानों का साइज़ भाई, जो पत्थर पड़े हैं भाई उनका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से चढ़ाना भाई बहुत ही बड़ा टास्क, और साथ ही साथ भाई पानी भी आने वाला है इस पर। तो देख लो भाई कितने बड़े पत्थर हैं भाई, चढ़ाने में दिक्कत आ रही है भाई वो भाई। तो भाई यहाँ पे अपनी XUV 700 भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है भाई, देख लो भाई कितनी ज़्यादा फंस चुकी है भाई। ये होता है भाई असली चैलेंज एक SUV कार के लिए। और भाई ये 4x4 है भाई, अपनी सारी गाड़ियाँ जो हम लाए वो 4x4 है, लेकिन भाई यहाँ पे 4x4 होने के बावजूद भाई अपनी XUV को बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो भाई देखते हैं भाई कौन सी अपनी गाड़ी कर पाएगी ऐसे भाई, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई ये चीज़, भाई बहुत ही ज़्यादा फंस चुकी है भाई अपनी गाड़ी। भाई देख सकते हो भाई मैं इतना हिला रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई, बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके भाई अपनी XUV भाई। तो भाई मेरे पीछे करने पे भी और आगे करने पे भी भाई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई इन गाड़ियों पे, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुकी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि भाई अब इसको और ज़्यादा इधर उधर करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन भाई यहाँ पे पत्थर शायद से बीच में फंस गया है गाड़ी के, और ये भाई बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो भाई अपनी XUV को निकालते हैं भाई और अपनी अगली गाड़ी को चांस देते हैं, देखते हैं अपनी अगली गाड़ी कर पाती कि नहीं। तो गैस यहाँ पे जो अपनी अगली गाड़ी ले रहे हैं भाई वो है भाई अपनी Scorpio S11। तो देखते हैं क्या अपनी स्कॉर्पियो ये कर पाती कि नहीं कर पाती, और ये कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। तो ये चली भाई अपनी स्कॉर्पियो यहाँ पर, और भाई यहाँ पे भाई अपनी स्कॉर्पियो आगे बढ़ रही है भाई, बहुत दिक्कत हो रही है भाई अपनी स्कॉर्पियो को। और भाई अपनी XUV से थोड़ी सी ज़्यादा आगे आ गई थी भाई, लेकिन भाई देख तो पूरा स्मोक स्मोक निकल रहा है भाई, इंजन पे इतना ज़्यादा लोड पड़ रहा है भाई, टायर भी इसके रगड़ रहे हैं पूरे। और आई थिंक भाई ये भी अपनी गाड़ी यहाँ पर फंस चुकी भाई बुरी तरीके से, क्योंकि भाई रैम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, इसके चारों टायर्स भाई देख सकते भाई पूरा स्मोक ही स्मोक दे रहे हैं भाई यहाँ पर। तो थोड़ी सी और कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्या पता निकल जाए भाई ये। और भाई मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे भाई अपनी स्कॉर्पियो जो है भाई बुरी तरीके से फंस चुकी है यहाँ पे भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रैंप हो गया भाई इस बार। मैं पीछे लेने की कोशिश करता हूँ, शायद से पीछे आ जाइए। तो भाई ये पीछे भी नहीं आ रही भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई बुरी तरीके से फंस गई है भाई अपनी स्कॉर्पियो भी भाई साहब, गलत ही सीन हो गया भाई अपनी स्कॉर्पियो के साथ यहाँ पे। तो भाई अपनी स्कॉर्पियो को भी यहाँ से निकालते हैं भाई, देखते हैं अपनी अगली गाड़ी को लाते हैं, देखते हैं कितनी आगे जाती है। तो गैस यहाँ पर जो हमारी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी फॉर्चूनर, देखते हैं अपनी फॉर्चूनर का क्या हाल होता है भाई यहाँ पर। तो ये चली भाई अपनी फॉर्चूनर, और भाई बोनट निकल गया भाई अपनी फॉर्चूनर का इसमें घुसते ही। और भाई यहाँ पे अपनी फॉर्चूनर आगे बढ़ रही है भाई अभी, और भाई पानी में टायर घुस चुका है इसका, और भाई शायद से भाई अपनी फॉर्चूनर भी यहाँ पे भाई फेल हो गई है भाई, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है भाई ये चीज़ भाई, देख सकते हो भाई कितनी दिक्कत हो रही है भाई, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रैम तो भाई मैंने आज तक नहीं देखा भाई, भाई पूरी फंस चुकी है भाई, ये टायर से स्मोक ही स्मोक निकल रहा है भाई इसके। तो यहाँ पे जब ये गाड़ियाँ नहीं कर पाई तो अपनी छोटी गाड़ियाँ स्विफ्ट लाने का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता था भाई। और भाई ये मुझे टायर फटने की आवाज़ आई कहीं से, और भाई इसके आगे वाला टायर फट चुका है भाई, ओ भाई साहब भाई गलत ही सीन हो गया यहाँ पे। तो भाई अब इसको तो ले जाने कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, क्योंकि इसके आगे के दोनों टायर फट चुके हैं भाई पत्थरों की वजह से। तो भाई इसको निकालते हैं यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गैस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी टाटा हैरियर, देखते हैं भाई अपनी टाटा हैरियर यहाँ पे कर पाती कि नहीं कर पाती है। तो ये चली भाई अपनी टाटा हैरियर यहाँ पे,
और भाई यहाँ पर अपनी टाटा हैरियर तो ओ भाई बहुत ही जल्दी फंस गई भाई। ओ चल 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 चल। और भाई आप लोग देख सकते हो अपनी टाटा हैरियर को भी कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही भाई, यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हो रही भाई अपनी टाटा हैरियर को। और भाई ये पूरी तरीके से भाई फंस चुकी है यहाँ पे, फिर भी थोड़ी कोशिश करता हूँ भाई पीछे आगे लेने की। भाई सोचो 4x4 गाड़ियों को इतनी दिक्कत हो रही है भाई यहाँ पे, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो गया भाई यहाँ पे अपनी हैरियर के साथ भी। और भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई अब और ज़्यादा यहाँ पे ऐसे करने से भाई कोई फ़ायदा होने वाला ही, गाड़ी भाई पूरी तरीके से भाई फंस चुकी है भाई यहाँ पे। तो भाई निकालते हैं भाई अपनी हैरियर को भी भाई यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो भाई यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी भाई वो है भाई अपनी रूबीकॉन। इसके टायर इतने बड़े हैं कि भाई मुझे इससे उम्मीद है कि किरण निकलती दिख रही है भाई इसके टायर को देखते हुए। तो देखते हैं भाई अपनी रूबीकॉन यानी कि बड़े टायर वाली गाड़ी यहाँ पर क्या कमाल करती है। ओ मैडम भाई फ़ोन पर बाद में बात कर लेना, यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम टेस्ट चल रहा है यार कसम से यार। तो भाई यहाँ पर चली भाई अपनी। और भाई देखते हैं भाई इसके बड़े टायर, ओ भाई साहब। तो भाई देख रहे हो भाई अपनी रूबीकॉन के जलवे देखो भाई यहाँ पे भाई साहब। तो भाई यहाँ पे भाई अपनी रूबीकॉन ने भाई एक ही बार में भाई ये रैम कर दिया भाई, क्या बात है भाई। भाई देख सकते हो भाई बम्पर भले ही टूट गया भाई इसका आगे से, लेकिन भाई रूबीकॉन यहाँ पे सक्सेसफुली भाई इस तरफ आ चुकी है भाई वो पूरा पूरा अपना पार करते हुए। तो भाई इसको भी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं भाई और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो भाई पहली गाड़ी यानी खुशी तो भाई डेफिनेटली भाई यहाँ पे हो रही है भाई मुझे। तो गैस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा। देखते हैं भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा ये कर पाती है कि नहीं। ओ भाई ओ भाई यहाँ पे भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा फंस चुकी है भाई मुझे लग रहा है। भाई ये तो ऐसी फंसी कि भाई इसके टायर घूमने पर स्मोक आ गया भाई, स्मोक आ गया भाई तो बड़ी बुरी तरीके से फंस गई भाई। ये तो भाई हिल भी नहीं रही है भाई इधर से उधर। और भाई मुझे तो नहीं निकल लग रहा भाई ये निकल भी पाएगी यहाँ से, क्योंकि बहुत ही गंदी तरीके से यहाँ पे फंस चुकी है भाई, बहुत ही गंदी तरीके से फंस चुकी है भाई यहाँ पे। तो भाई निकालते हैं भाई इसको यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो भाई यहाँ पे जो अपनी अगली गाड़ी है भाई वो एक फुल साइज़ भाई SUV तो नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे ये एक SUV में ही आती है भाई, ये है भाई अपनी Hyundai की क्रेटा। तो देखते हैं भाई अपनी क्रेटा ये कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो ये चली भाई अपनी क्रेटा यहाँ पे, और भाई अभी तक तो काफ़ी सही परफॉर्मेंस, लेकिन भाई यहाँ पे अपनी क्रेटा हो गई है बेहाल। तो मैं इसको आगे पीछे लेने की कोशिश करता हूँ, शायद से कुछ हो जाए। चल 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 पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल पीछे चल। और भाई इसका बम्पर देख रहे हो भाई आगे से सिर्फ बम्पर ही भाई इसका दिक्कत दे रहा है भाई, बाकी भाई और भाई इसका पत्थर जो है ना पीछे टायर पे जो है भाई मेरे हिसाब से वही सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रहा है भाई यहाँ पे, क्योंकि वही भाई गाड़ी को आगे नहीं आने दे रहा भाई, बम्पर तो इसका फंसा ही हुआ है। और मुझे लग रहा है भाई कि अब इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई, लेकिन होने नहीं वाला भाई इससे कुछ अब। तो भाई इसको निकालते हैं भाई यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी। तो भाई यहाँ पर जो हमारी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी फोर्ड की एंडेवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा दमदार गाड़ी है यहाँ पर। तो देखते हैं भाई अपनी फोर्ड एंडेवर ये कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और ये चली भाई अपनी फोर्ड एंडेवर यहाँ पे, और भाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भाई यहाँ पे अपनी एंडेवर की देख सकते हो भाई, अपनी जो फोर्ड की एंडेवर है भाई कितने अच्छे से किया है भाई यार। अगर भाई मैं उसको रास्ते में रोकता तो डेफिनेटली कोई दिक्कत ज़रूर होती इसको, लेकिन भाई जो अपनी एंडेवर है वो सच में भाई काफ़ी ज़्यादा दमदार है भाई। अपनी फॉर्चुनर और स्कॉर्पियो से ज़्यादा दमदार लगी भाई मुझे, अब पता नहीं क्यों, लेकिन भाई यहाँ पर अपनी एंडेवर ने जो है भाई गज़ब कर दिया भाई एकदम से। तो भाई अपनी इंडेवर कहीं पे रखते हैं और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गैस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी पुरानी वाली फॉर्चुनर यानी कि 2014 वाला मॉडल। तो देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी ये वाली फॉर्चुनर कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी पुरानी फॉर्चुनर यहाँ पर, और भाई यहीं पर कैसे अटक सकती है यार ये भाई एकदम, मतलब ये तो वही हो गया भाई घर से निकलते कुछ दूर चलते ही भाई, कुछ दूर भी नहीं चली भाई ये तो तुरंत ही फंस गई है यहाँ पर, और ऐसी फंसी है कि मुझे तो ये आगे पीछे होती भी नहीं दिख रही है, लेफ्ट राइट भाई, और भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, निकल 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 निकल।
और चल 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 निकली निकली भाई, थोड़ी सी निकली भाई यहाँ पे अपनी फॉर्चुनर। भाई देख तो भाई अपनी पुरानी फॉर्चुनर पूरी जान लगा रही है, बस का टायर ना फट जाए भाई अपनी उस वाली फॉर्चुनर की तरह। और भाई ऊपर से गाड़ी के धुआं निकलना शुरू हो चुका है भाई, देख सकते हो कितना ज़्यादा हीट हो चुका है भाई इसका इंजन। ओ भाई साहब, और भाई अब यहाँ पर लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ये सब का। और भाई ये अब यहाँ पर फंस चुकी है भाई, बुरी तरीके से फंस चुकी है। ओ भाई साहब, ओ भाई, तो भाई इसको निकालते हैं यहाँ से और भाई लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को यहाँ पे, क्योंकि भाई ये तो भाई ऐसी फंसी है कि भाई निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भाई अब जो हमारी अगली गाड़ी भाई वो है भाई अपनी जीप कंपस, तो देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी जीप कंपस कैसा करती है। तो ये चली भाई अपनी जीप कंपस यहाँ पे, और भाई यहाँ पे अपनी जीप कंपस भाई फंस गई है, और अच्छे से फंसी है भाई, ये भी अच्छे से फंसी है भाई एकदम। थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं भाई इसको यहाँ पे, और देखते हैं क्या होता है, क्या निकल पाती कि नहीं। वैसे तो मुझे इसके निकलने की उम्मीद भाई लग नहीं रही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फंस चुकी है भाई यहाँ पे अपनी जीप कंपस। और गाइस यहाँ पे अपनी जीप कंपस ने भाई अपना साथ छोड़ दिया है भाई, तो इसको निकालते हैं यहाँ से बाहर क्योंकि भाई हिलने का नाम भी नहीं ले रही है, और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी भाई वो है भाई अपनी टाटा नेक्सॉन, और भाई ये आंटी जी फिर से यहाँ पे आ गई, पता नहीं कि उनको यहाँ से बात करने के लिए अपने के यही रास्ता मिल रहा है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे लेके चलते हैं भाई अपनी टाटा नेक्सॉन को, देखते हैं क्या होता है। और ये चली भाई अपनी टाटा नेक्सॉन, और भाई काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ गई थी, लेकिन भाई यहाँ पर अपनी नेक्सॉन हो चुकी है भाई बंद, सामने आ गया इसके बड़ा पत्थर जिस पर चढ़ ना सकी और भाई इस टेस्ट में पास हो ना सकी। तो भाई यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुकी है भाई ये, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई इसको निकालने के, लेकिन देखो भाई वो भाई पानी उड़ा रही भाई अच्छे से ये, और भाई लेफ्ट राइट भी नहीं हो रही, पीछे करके देख लेता हूँ। और भाई देख लो भाई सिर्फ पानी उड़ा रही भाई, आगे पीछे हो नहीं रही है यहाँ पे। तो भाई इसको निकालते हैं भाई यहाँ से और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है भाई वो है भाई अपनी टाटा सफारी, वो भी नई वाली 2021 भाई, तो देखते हैं भाई अपनी सफारी यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो ये चली भाई अपनी सफारी यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पर अपनी सफारी टेढ़ी हो गई है भाई। कोई नहीं पीछे से निकालेंगे हम लोग, से पूरी कोशिश करेंगे अपनी सफारी के साथ। और भाई कितनी दिक्कत हो रही है भाई, चल 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 चल। और भाई आप लोग देख सकते हो भाई अपनी सफारी भाई, क्या बात है, चल चल। और भाई अपनी सफारी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, जैसे तैसे भाई निकल रही यहाँ पे भाई, पावर तो है भाई इस गाड़ी में। और भाई अपनी सफारी भाई यहाँ पे भाई पास हो गई है भाई, क्या बात है भाई। तो भाई अपनी सफारी को भी यहाँ खड़ा कर देते, तो इससे हम लोग को पता लगेगा कि जो अपनी किंग SUVs हैं भाई दमदार वाली, वो कौन सी है भाई। देख सकते हैं भाई यहाँ पे तीन अपनी गाड़ी आ चुकी हैं, अभी वहाँ पे अपनी एक गाड़ी बची है भाई वेन्यू, तो उसका भी देख लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है भाई उसका भी चांस थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी आखिरी गाड़ी है भाई अपनी ह्युंडई वेन्यू, वो एकदम रेडी है, और यहाँ पे पानी का लेवल इस बार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई अपनी वेन्यू यहाँ पे कर पाती कि नहीं कर पाती। और भाई ये चल रही भाई अपनी वेन्यू यहाँ पे, और भाई यहाँ पे फंस चुकी है भाई अपनी वेन्यू बुरी तरीके से, जैसे मुझे लगा था पीछे रहने की कोशिश करता हूँ, शायद से पीछे हो जाए, चल पीछे हो जा। और भाई यहाँ पे भाई अपनी जो वेन्यू है भाई वो गंदी तरीके से फंस चुकी है भाई, बहुत ही बुरी तरीके से। और भाई मुझे ही लग रहा है भाई इसको आगे पीछे करने से कुछ भी फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। और सोचो अगर अपनी स्विफ्ट और आइटन लेकर के आते तो भाई उनका तो भाई पूछो ही ना भाई, शायद इसी गड्ढे के बीच में फंस जाती है वो। तो गाइस यहाँ पे अपना जो टेस्ट है भाई वो होता है कंप्लीट। तो जो गाड़ियाँ भाई पास हो गई हैं भाई उनका तो आपको पता ही है भाई, यहाँ पे देख सकते हो अपनी तीन गाड़ियाँ जो पास हुई हैं भाई वो खड़ी हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छे से पास किया है, और सबसे अच्छे से भाई मेरे हिसाब से रूबीकॉन ने किया है, उसके बाद भाई अपने इंडेवर ने और भाई अपनी सफाई ने। भाई काफ़ी सही टेस्ट था भाई ये। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अमेजिंग रैम के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।